हेलो फ्रेंड्स, आई एम मीनाक्षी राठौर विद माय न्यू वीडियो। आज मैं सिर्फ आपसे कुछ जनरल बात करने के लिए आई हूँ। जनरल ऐसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, विवेकानंद की फ़ोटो लगी हुई है और ये मेरे पास में करीबन 5 ईयर्स से है। और जैसा कि आज यूथ डे है तो सबसे पहले आपको यूथ यानी कि युवा दिवस की हार्दिक बधाई हो सबसे पहले तो। और एक जनरल इशू के ऊपर मैं एक बात करना चाहती हूँ कि हमारा जो देश है वो दुनिया का सबसे यंगेस्ट कंट्री है। यंगेस्ट कंट्री इस मामले में कि हमारे यहाँ पे यूथ पॉपुलेशन जो है सबसे ज़्यादा है। अब लेकिन यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है यानी कि जो पूरी दुनिया को लीड करती है, जो कहें हम कि शक्ति पावर है, वो हमारा यूथ होता है। और आज हमारा यूथ, क्या मैं कहूँ कि सोचते हुए बोलते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है इन चीज़ों के बारे में कि अपने भविष्य के लिए हमारा जो यूथ है ना, वो मतलब अपनी डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि वो क्या करें। वो ये नहीं सोच पा रहा है कि क्यों उनके सबके साथ में ये सब चीज़ें हो रही हैं, या एम्प्लॉयमेंट के लिए तो कभी किस चीज़ के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, मतलब इतनी सारी जो चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं सब कुछ कुछ भी निश्चित नहीं है। और इन सब की वजह से जो यूथ है हमारा, वो कहीं डिप्रेस्ड है, कहीं यानी कि अल्टीमेट में अगर बात कहूँ तो उसका फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है यूथ का, उसकी एनर्जी का। उसके मान लीजिए कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग करने के बाद में इंजीनियरिंग की जॉब ना करके वो कर रहा है कहीं बैंक में जॉब कर रहा है, यानी कि रिसोर्सेस पैसे खर्च करने के बाद में भी वो टेक्निकल ना होके नॉन टेक्निकल में अपनी जॉब कर रहा है। तो कहीं अगर कॉमर्स का बंदा होता तो उसकी जॉब तो उसने ले ली, तो कॉमर्स का बंदा वहाँ पे काम कर रहा होता। तो बिल्कुल ऐसे ही इतनी सारे, फिर या कोई इंजीनियरिंग करने के बाद में कहें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी इंजीनियर्स की है इस यूथ के अंदर भी, उसके बाद में फिर वो जाके MBA कर रहे हैं और वो मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं, जबकि मैनेजमेंट के संभालने के लिए कोई दूसरे बंदे होने चाहिए थे, दूसरे लोग होने चाहिए थे। फिर हर साल जितने स्टूडेंट्स निकल के आते हैं जो पास करते हैं, यानी कि हमारी एजुकेशन ऐसी हो गई है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट ना करके वो एम्प्लॉयमेंट सीकर्स बन गए हैं। फिर रूल्स एंड रेगुलेशन एंड लॉज ऐसे हैं कि अगर आप इंडस्ट्रीज भी बनाना चाहो, खड़ी करना चाहो, तो उनके लिए इतने सारे रूल्स रेगुलेशन हैं कि वो इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, या उनको फाइनेंस के इशू आएंगे नेक्स्ट स्टेप पे। अगर मान लो कि प्रोजेक्ट अच्छा है तो फिर फाइनेंस के लिए अंबानी, टाटा, बिरला इन लोगों को, या कोई रिच पर्सनैलिटी है तो वो जाएंगे, जाके मैनेजर से बात करेंगे और उन्हें इजीली जो है लोन अवेलेबल हो जाएगा, या कुछ भी जो है रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, या गवर्नमेंट में उनकी अच्छी पहुंच है तो वो लोग साइन करवा लेंगे और उसके बाद में फिर उन्हें इजीली टेंडर्स मिल जाएंगे। तो आज का युवा, युवा दिवस की बधाई तो है लेकिन बधाई है सिर्फ, बोलने से क्या होगा इन चीज़ों के बारे में, कुछ करने से, बदलने से कुछ होगा। तो एक छोटी सी मेरा प्रयास है, इस इशू की तरफ मैंने ध्यान लगाया है और एंग्जाइटी जो आजकल मैक्सिमम जो लोगों को है, सबसे पहले इसका सबसे बड़ा कारण तो यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट, एंग्जाइटी का सबसे बड़ा जो एक रीज़न है वो है सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जाए, अगर इसकी दिशा में अगर काम किया जाए तो मुझे लगता है कि शायद चीज़ें आसान हो सकती हैं। बाय बाय फ्रेंड्स, ये मेरे बस थॉट्स थे और मेरा प्रयास भी रहेगा आगे जाके कि एम्प्लॉयमेंट को मैं जनरेट कर सकूं। उस दिशा में मैं थोड़ा सा एक काम शुरू मैंने किया हुआ है, आगे जाके फिर कभी आपको बताऊंगी। जैसा कि मैंने कहा ही कि मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी धीरे धीरे करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें। सो युवा दिवस की आपको हार्दिक बधाई और इसके साथ ही बाय फ्रेंड्स।